दोस्तों वेलकम टू स्टडी पावर चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज है 19 सितंबर। 19 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो आज हमने इस वीडियो में सारे कवर किए हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक। किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोलिक ट्रेन शुरू की? आपके सामने चार ऑप्शन है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी। जर्मनी की बात आई है तो देख लेते हैं जर्मनी के बारे में हमको जानने योग्य बात है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की चांसलर है एंजेला मार्केल। जर्मनी की मुद्रा है यूरो। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की चांसलर है एंजेला मार्केल। जर्मनी की मुद्रा है यूरो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति ने किसकी 150वीं जयंती पर स्मरणोत्सव के लिए लोगो और वेब पोर्टल लॉन्च किया? आपके सामने चार ऑप्शन है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की बात आई है तो देख लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुई थी। एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था, इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौशल भारत मिशन के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया गया है? कौशल भारत मिशन के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया गया? आपके सामने चार ऑप्शन है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वरुण धवन और अनुष्का शर्मा। अभी हाल ही में वरुण धवन और अनुष्का शर्मा की एक नई पिक्चर लॉन्च होने वाली है, सुई धागा। उसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने इनको कौशल विकास का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देख लेते हैं कौशल विकास के बारे में। कौशल विकास योजना का शुभारंभ 15 जुलाई 2015 से हुआ था और इसका लक्ष्य है 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार ने सेना के लिए कितने करोड़ के उपकरण खरीदने की मंजूरी दी है? सरकार ने सेना के लिए कितने करोड़ के उपकरण खरीदने की मंजूरी दी है? आपके सामने चार ऑप्शन है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 91,000 करोड़ की मंजूरी दी है। देख लेते हैं रक्षा मंत्री हैं हमारी निर्मला सीतारमण। भारत ने किस देश के साथ पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, भारत ने किस देश के साथ पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश के साथ। जान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। मुद्रा है टका। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। राजधानी और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। मुद्रा है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा माउंट एवरेस्ट मैत्री अभ्यास नेपाल और किस देश के बीच में हुआ है? देख एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, दूसरा माउंट एवरेस्ट मैत्री अभ्यास नेपाल और किस देश के बीच किया जाएगा? आपका सही आंसर होगा, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन के साथ। चीन के साथ किया जाएगा। बात आई है नेपाल और चीन की तो देख लेते हैं जानने को कुछ। चीन की राजधानी है बीजिंग। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। मुद्रा है युआन। वहीं देखते हैं नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। मुद्रा है नेपाली रुपया। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, चीन की राजधानी है बीजिंग। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। मुद्रा है युआन। नेपाल की बात करते हैं, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। मुद्रा है नेपाली रुपया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक 52% काम मशीनें करेंगी? विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक 52% मशीनें काम करेंगी? आपके सामने चार ऑप्शन हैं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन
डी 2025 तक 52% मशीनें काम करेंगी। देख लेते हैं विश्व आर्थिक मंच के बारे में। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दल को तेजिंग नॉर्गे पुरस्कार से सम्मानित किया है? आपके सामने चार ऑप्शन है, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए INS तरणी दल। देख लेते हैं तरणी दल के बारे में कुछ जान, वो नॉर्गे पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। पानी में बाधाओं को हराने पर प्रतिष्ठित तेनजिंग नॉर्गे पुरस्कार एडवेंचर के लिए दिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन में 2 गोल्ड अवार्ड जीते? आपके सामने चार ऑप्शन है, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। अब जब केरल की बात आई तो देख लेते हैं केरल के बारे में कुछ। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, राज्यपाल हैं के सदाशिवम। वहीं देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, एराबिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेतन सोला राष्ट्रीय उद्यान। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने दक्षिण कोरिया में 13वें विश्व फाइटर गेम्स में 86 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुनील कुमार। देख लेते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, राष्ट्रपति है मून जे इन, मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वान। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, राष्ट्रपति है मून जे इन, मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वान। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।